एक मान लिए कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसका ईच साइड जो है वो 15 मीटर है और उसके एक कॉर्नर पे घोड़े को बांधा गया है जिसकी रस्सी की लंबाई जो है वो 5 मीटर है। ठीक, घोड़ा कितना एरिया का घास खाएगा? तो फिर आप ऐसे घुमा दीजिए इसको, ये क्या बन गया, इतना ही एरिया का घास खाएगा वो। अब ये जो आपको शेप नज़र आ रहा है किस तरह का शेप है? सेक्टर भी बोल सकते हो आप इसको, क्वाड्रेंट भी बोल सकते हो, ठीक है ना। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाओ तो थीटा यहाँ पे कितना लेंगे, 90 डिग्री, और क्वाड्रेंट लगो तो डायरेक्ट 1/4, तो ये एक क्वाड्रेंट है। तो पहला ये 5 मीटर का रस्सी में बना हुआ है। क्या यहाँ पे स्क्वायर का साइड का कोई काम है? जो 15 मीटर स्क्वायर का साइड दिया हुआ उसका कोई यूज है? कोई यूज नहीं है। फिर कह रहा है कि अगर रस्सी को 10 मीटर लंबा कर दे, 5 मीटर के बजाय 10 मीटर लंबा कर दे, तो कितना ज़्यादा एरिया को ग्रेज करेगा? तो अगर मान लें 5 के बजाय 10 कर दें, यहाँ तक आ जाएगा, तो फिर ये इतना एरिया को खाएगा, तो कितना एरिया इंक्रीज किया, तो कितना एरिया इंक्रीज किया, तो उसको हम सेड कर देते हैं यहाँ पे, ये वाला है ना, इतना ही एरिया ने ज़्यादा खाया। तो ये जो एरिया है जो सेड किए वो कैसे निकलेगा? तो बड़ा वाला सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर का एरिया को माइनस कर देंगे। ये दो पार्ट है। चलिए हम क्वेश्चन निकालते हैं। पहले लिखेंगे एरिया ग्रेज बाय हॉर्स, ग्रेज बाय हॉर्स 1/4 पाई आर, 1/4 पाई का वैल्यू दिया हुआ है आपका 3.14 और ये है 5 × 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे काटना चाहो तो इसको 2 से काट सकते हो और ये आएगा आपको 1.57। 5 × 5 25, 25 को 1.57 से इंटू करो, 1.57 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो कितना हो जाएगा 35 8 7 14 हुआ ना, 10 11 और फिर 3, तो 5 2 9 3 होगा ना, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे 39.25, तो यहाँ आप लिखेंगे 39.25 बाय में 2 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसको और डेसिमल में निकालोगे तो 196, फिर आएगा 6 तो यहाँ पे आएगा 25 मीटर स्क्वायर। करके देख लेना, 39.25 को 2 से डिवाइड करें तो 19.625 आएगा। क्लियर। अब कह रहा है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5, तो अगर 5 के बजाय 10 मीटर लंबा रस्सी रहता तो कितना एरिया वो ज़्यादा खाता। ठीक है, तो उसके लिए हम बड़े वाले सेक्टर या बड़े वाला क्वाड्रेंट में से छोटे वाला क्वाड्रेंट का एरिया को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसे लिख देते हैं, इंक्रीज द ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज द ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया। तो पहले बड़ा वाला क्वाड्रेंट का एरिया, बड़ा वाला क्वाड्रेंट के लिए हम लोग लिख देते हैं 1/4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और फिर क्या लिखेंगे 1/4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। फिर यहाँ पे 1/4 पाई कॉमन ले लेते हैं, 1/4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया 1/4, यहाँ से कितना आ गया 3.14 आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 - 5 का मीटर स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ए प्लस बी ए माइनस बी, हमेशा एग्जाम में यूज करना। स्क्वायर करके माइनस करोगे वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे करना चाहो तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100, 5 का स्क्वायर माइनस करोगे 75 आएगा, वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो a प्लस बी और a माइनस बी, अब दोनों काम कर सकते हो। तो 1 बाय 4 3.14 और यहाँ पे कितना आएगा 75, चलिए हम 75 ही लिख देते हैं मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इसको काट दीजिए, कितना से काटे 2 से 1.57 1.57 को 75 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर लिखेंगे 1.57 75 35 8 और यहाँ पे 7, आप इसको चेक कर लीजिएगा आंसर, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे आएगा 9, ठीक है, फिर 39 का 9 और फिर यहाँ पे 10, तो 5 7, यहाँ से कितना आया 17, फिर 1 1 आया ना, फिर यहाँ से पॉइंट लगा देंगे 117.75 बाय में 2, तो इसको लिखेंगे 117.75 बाय में 2, इसका मतलब हो गया आपका 517, तो 8 बार में 16, फिर यहाँ पॉइंट, फिर 875 मीटर स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया? तो अगर उसके पास मतलब अगर घोड़े को 5 मीटर लंबे रस्सी से बांधते हैं तो 19.625 मीटर एरिया का ग्रेस करता, अगर रस्सी 5 के बजाय 10 मीटर लंबा होता तो कितना ज़्यादा एरिया ग्रेस करता, कितना ज़्यादा एरिया ग्रेस करता, तो 58.875 मीटर स्क्वायर एरिया ज़्यादा ग्रेस करता। तो करता कितना एक्चुअली में, तो कर रहा था ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते ये वाला एरिया आ जाता। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 9, अब 9 वाला थोड़ा सा समझिएगा, इसको इरेज कर दें। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, अ ब्रूच इज मेड विथ अ सिल्वर वायर इन अ फॉर्म ऑफ अ सर्कल, एक ब्रूच है जो सिल्वर वायर से बनाया गया है, ठीक। अब सिल्वर वायर से बनाने के लिए सबसे पहले एक सर्कल लिया गया, तो इस तरह से एक सिल्वर को सर्कुलर फॉर्म में लगा गया, रखा गया इसे। तो ये सर्कुलर फॉर्म में रखने के लिए कितना लंबाई लगा, मतलब कितना लंबा सिल्वर लगा, कैसे पता चलेगा इसका सर्कमफ्रेंस। मान लिए कि एक सर्कल बनाने में कितना सिल्वर यूज हुआ, तो जो इसका सर्कमफ्रेंस है उतना ही सिल्वर ना यूज हुआ। कन्फ्यूजन है, मान लो कि एक गोल सा तुमको रिंग बनाना है, तो रिंग बनाने में कितना सिल्वर लगा, तो जो उसका सर्कमफ्रेंस होगा, ठीक है। एक काम, क्यों सर्कमफ्रेंस बना दिए, मतलब एक पहले सिल्वर ऐसे रखे यहाँ पे और इस तरह से एक सर्कल बना दिए, उतना लग गया। उसके बाद क्या किए कि 10 डायमी, मतलब कि यहाँ पे 5 डायमीटर डाले हैं, 5 डायमीटर मतलब देखो 1 2 3 4 और 5, 5 डायमीटर डाल दिए, तो टोटल कितना सिल्वर लग गया। तो पहले तो आप ये लंबाई निकाल लिए सर्कमफ्रेंस, और उसके बाद टोटल कितना डायमीटर इसमें रखे 5, सबका लंबाई को जोड़ देंगे तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हमको निकालना हो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर, तो लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर। तो सिंपल सा, सबसे पहले सिल्वर लगा कहाँ पे, तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई
आर, ठीक है, सरकमफ्रेंस, और प्लस 5 × d, 5 वो डायमीटर, ठीक है। मतलब यहां पे आप लिख सकते हैं कि 2πr और 5 × डायमीटर, वो क्या लिखते हैं 2r। कह रहा है यहां पे कि जो डायमीटर है इसका 35 mm है, मिलीमीटर। इस सिल्वर का मतलब ये जो ब्रूच बनाया गया है, इस ब्रूच एक सर्कुलर फॉर्म में है और इसका डायमीटर कितना है 35। तो यहां पे हम लिखते हैं डायमीटर आपका है 35 mm, तो इसका मतलब रेडियस कितना हो गया 35/2। आपको मालूम होगा कि जो रेडियस होता है डायमीटर का जस्ट हाफ होता है, तो इसका रेडियस हो गया आपका 35/2 mm। तो टोटल लेंथ निकाल लेते हैं, तो फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे ना, 2 × 22/7 और r के जगह कितना 35/2, फिर 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 और यहाँ पर r के जगह पर 35/2। सारा जो लेंथ आएगा वो मिलीमीटर में आएगा, बाद में मिलीमीटर में लिखेंगे। 7 से ये कट गया कितने बार में, 5 बार में, 2 से ये 2 कट गया, 2 से ये कट गया 5 बार में, मतलब आ गया आपका 22 × 5, 110 + 175 mm, मिलीमीटर, मतलब आपका हो गया कितना टोटल 285 mm। यहाँ लिखेंगे 285 mm, मिलीमीटर, ये टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर आ गया। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, ईच सेक्टर, आप ये देखिएगा पूरा सर्कल में टोटल कितना सेक्टर बना हुआ है। पहले हम एक सेक्टर को सेट करते हैं, देखो ये एक सेक्टर हुआ, तो इस तरीके से टोटल कितना सेक्टर बना हुआ है 10, सबका एरिया इक्वल होगा। तो एक सेक्टर का अगर आपको एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो पूरे सर्कल से वो अगर हम 10 से डिवाइड कर दें, पूरे सर्कल का एरिया को 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक का एरिया आ जाएगा ना। एक सेक्टर का अगर एरिया निकालना होगा तो टोटल मेरा यहाँ पर सेक्टर है 10, तो अगर सर्कल का एरिया निकाल करके 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक का एरिया आ जाएगा, पहला चीज। दूसरा कि अगर हम मान लो कि सेंट्रल एंगल निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं सेंट्रल एंगल, तो सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे तो फिर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे θ/360 × πr² तो अब सेंट्रल एंगल निकलेगा कैसे, तो आप जानते हो कि ये पूरा एंगल मिलके कितना डिग्री होता है। अब यहाँ पर एंगल कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अगर सारा एंगल इक्वल है तो एक्स 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 मानेंगे तो 10x होगा ना, 10x = 360, तो x बराबर 360/10 = 36, मतलब एक एंगल आपका आएगा 30। तो आप एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर को लगाने से अच्छा है कि चूंकि यहाँ पर 10 सेक्टर है और सबका एरिया इक्वल है तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू होगा 1/10 × πr² तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, आप 36 निकला ना एंगल, यहाँ पर अगर θ/ ऐसे लिखते हो ना फॉर्मूला, देखो θ/ अगर 360 लिखते हो, πr² लिखते हो, तो θ/ आप अगर तुम 36/360 करो, πr² करो, ये कट जाएगा, वो नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट कट जाएगा 10 बार में, तो 1/10, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/10 πr², ठीक। अब हम लिखते हैं यहाँ पे 1/10 × 22/7 = 35/2 × 35/mm² एरिया, तो मिलीमीटर स्क्वायर काट देते हैं 5 टाइम में, ठीक, और इसको काट देते हैं 11, और कुछ कटेगा मत काटो उसको, 10 को काट करके फंसने की जरूरत नहीं है, 10 जब पूरा कटे तो काटिए, नहीं कटे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको ऐसे ही छोड़ दिए।
11 इंटू 5 55, 55 इंटू 35, देखो 55 इंटू 35 तो 55 या 25 और फिर कितना हुआ, और फिर 15 और फिर 16, 5291 1925 हुआ ना, 1925 10 है 2 है मिलीमीटर। क्या करना है पहले तुम 2 से इसको डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो पहले आएगा 9 18 1 बचा तो 2 6 फिर 2.5 बाय में अभी 10 है ना, इसका मतलब अब पॉइंट को एक और इधर ला दो तो कितना आएगा 96 पॉइंट, मतलब इसको लिखोगे तो लिख दोगे 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, चूंकि यहाँ 10 है तो पॉइंट एक और इधर आ जाएगा, आ गया इजी, इसलिए आ गया ना, क्लियर है। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला तो जानते ही होगे, चलिए देखिए एक अम्ब्रेला है उसमें टोटल 8 रिब्स है, मतलब कोई वो अम्ब्रेला जो है पूरा सर्कुलर होता है वो 8 इक्वल पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है, मतलब कि हम ऐसे करते हैं ये सर्कल है और ये अम्ब्रेले का जो पूरा पार्ट है वो टोटल 8 इक्वल पार्ट में बटा हुआ है, ठीक, हर एक पार्ट एक सेक्टर कहलाएगा, ये एक सर्कल, सर्कल इसमें है पूरा 8 पार्ट में बटा हुआ है उसको अब रिब्स कहा गया, हर एक पार्ट को आप सेक्टर कहिएगा और सारे सेक्टर का एरिया इक्वल है तो टोटल यहाँ पे कितना सेक्टर है 8, तो एक सेक्टर का अगर एरिया निकालना होगा तो एरिया ऑफ सर्कल को 8 से डिवाइड कर देंगे तो 1/8 इंटू पाई आर स्क्वायर, एक फार्मूला। दूसरा कि आप सेंट्रल एंगल निकालो, यहाँ पे सेंट्रल एंगल कितना होगा, ये वाला जो एंगल है एक सेक्टर का कितना एंगल बन रहा है तो आप इसको x मानो, x x x x x x x x 8x 8x इक्वल टू 360 तो x बराबर 360 बाय 8 45 तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं थीटा बाय 360 इंटू पाई आर, वो भी 1/8 पाई आर स्क्वायर आएगा। कह रहा है कि फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिब्स, दो कंजिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया क्या होगा, मतलब कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर का बात कर रहा है, ये रिब्स है देखिए ये इसको कहा जाता है रिब्स, ये है एक रिब्स, ये एक रिब्स जो तार लगाया जाता है ना वो तार को रिब्स कहा जाता है, तो दो तार के बीच का एरिया, तो दो तार के बीच का एरिया का मतलब कि यही वाला एरिया हुआ ना, मतलब कि ये सेक्टर का बात कर रहा, समझ में आया। तो अब यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, एरिया बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिब, टू कंजिक्यूटिव रिब्स, छाता का रिब्स उसका जो वायर हो गया, डायरेक्ट लिख देता है 1/8 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, पाई का वैल्यू दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है तो कितना लेंगे 22/7 तो यहाँ आप लिखेंगे 1/8 22/7 45 × 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ कटने लायक आपको लग रहा है नहीं लग रहा तो 45 × 45 कितना हो गया 45
इंटू 45, तो ये हो गया 5, ये हो गया 2, फिर यहाँ से 0 और फिर यहाँ से हो गया 16, 18, तो 5, 2, 0, 2, 2025, ठीक। उसको ये मल्टीप्लाई किससे करना है, 22 से, तो 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा 22 से क्यों करेंगे, इसको आप काट दीजिए, कितने बार में 11 से, तो 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना। तो ये आ गया 2025, 2025, 5 7 2 2 2, ऐसा आएगा 5, देख लो तो सही लिखे हैं, सही है ना, हमको भरोसा नहीं खे, यहाँ यहाँ पर गलत कर दिए, यहाँ पर 4 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आ गया, देखिए मल्टीप्लाई किए तो आया 2 2 2 7 5, बाय में आया 28 सेंटीमीटर। अब इसको 28 से तुम डिवाइड करो, 28 से कितने बार में लगाएं, 28 है तो आप लगाइए 8 टाइम में नहीं, 7 टाइम में लगाइए, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया 56 और 19, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 26, ठीक है ना। फिर ऊपर से कितना उतार दीजिए 7, इस बार आप लगाइए 9 से, तो 72 के 2 9, 18 और 9 9 टू जा 18, 18 और 5, 5 कैरी था, कितना हुआ 23, 18 और 7, 7 है, फिर यहाँ से कितना आ गया 5 1, फिर कितना है 5, कितने बार में 5 बार में, 5 बार में लगाएंगे तो 155, 140, फिर 5 1, ठीक है ना, कितना आ गया, फिर यहाँ पे पॉइंट देखे 0, तो फिर 5 बार में कितना 140, तो फिर 5, फिर 100 आएगा, 100 आएगा तो 3 बार में, मतलब कुल मिला के 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, 795.53 सेंटीमीटर अप्रॉक्स आंसर है, कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में है, एग्जाम में फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, एग्जाम में आपको पूरा डेसिमल में ही निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 का बात करते हैं, इरेज कर दें, चलिए क्या हुआ कद्दू, बहुत गुमसुम हो, कुछ बात है का, हाँ बात है तो बता दो। अ कार हैज टू वाइपर, वाइपर तो आप जानती होगी, तो ये शीशा है उसका, एक यहाँ से ऐसे है मतलब बीच से, एक वाइपर ऐसे घूमता है और दूसरा वाइपर इस तरीके से घूमता है, दो वाइपर है जो कि 115 डिग्री पे घूमता है, ये है आपका 115 डिग्री और इधर से भी है 115 डिग्री, मान लिया ऐसे, ये आप देखिएगा ना तो थोड़ा सा अच्छे से बनेगा, तो ये एक सेक्टर ही बनेगा, एक सेक्टर दो सेक्टर, दो सेक्टर बन गया। पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, एक बार अगर स्वीप होता है तो कितना एरिया साफ होता है, जबकि इसका जो लेंथ है, लेंथ ये लेंथ दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर उसका रेडियस का काम करेगा, तो लिखेंगे एरिया क्लीन्ड, पहले तो यहां पर लिखेंगे 2, 2 क्यों, क्योंकि 2 है
है ना। फिर लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, थीटा बाय पाई आर, तो 2 × 115 360 × 22/7 × 115 × रेडियस कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। काटते हैं, इससे काटते हैं 150 से 360 कटेगा नहीं कटेगा, 5 के डबल में कटेगा, 5 के डबल में काटे होते 23 बार में, और ये आपका कटेगा कितने से 5 के डबल में 72, इससे काट दिए तो 36, फिर इससे काट दिए तो 18, और ये आ गया आपका 11। तो 23 × 11 × 25 × 25 / 18 625 × 25 × 11 तो फिर यहाँ पर 625 कर देते हैं 5 7 8 6 और फिर इसको इंटू कितने से करते हैं 23 से, तो फिर कितना हो गया आपका, हो गया यहाँ पे 15, फिर यहाँ से आ गया 22, फिर 6 20, फिर यहाँ से 10 14 15 17 13 5 2 1 7 5 1 1 5 ठीक है 158 125, और बाय में कितना 18, तो 158 125 बाय में 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 7, तो 18 इंटू 7 कितना हो जाता है 126, 18 इंटू 7 126, तो चलिए 126 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 126 एक बार में, तो यहाँ से आ गया 2 3 कैंसिल, फिर ऊपर से उतरा 1, 3 बार तो नहीं लगाएंगे 2 बार में लगाएंगे 252, तो यहाँ से आ गया 9 6 कैंसिल, फिर ऊपर से कितना उतार देते हैं 2, ठीक है ना, तो 2 5 बार में लगाते हैं, ठीक है 5 बार में लगाते हैं, तो 5 बार में लगाएंगे तो यहाँ पर हो गया 30 के 0 63, ठीक है ना, तो यहाँ पर आ गया कितना 62, तो फिर ऊपर से उतारे कितना 5, तो देखो 630 आया था, तो 5 बार में नहीं, तो अब तो 4 बार में लगाएंगे, तो 4 बार में लगाएंगे तो 625, और 4 टाइम में लगाएंगे तो 24 504, फिर यहाँ से आएगा 1 2, ठीक है ना, फिर पॉइंट देंगे यहाँ पे, और 0 तो ऐसे उतार ही सकते हैं, फिर एक बार में मतलब 125.41 अप्रॉक्स करीब करीब देख लो, और तुम अच्छे से इसको डिवाइड कर लेना 125.41 सेंटीमीटर स्क्वायर, चेक कर लीजिए तो फ्रैक्शन सही है। चलिए उसको निकालिएगा, फिर समझ में आ गया ना कैसे बनाया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 12 पे, ठीक, इसको इरेज कर दें, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि द वार्म शिप फॉर अंडर वाटर रॉक अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डायमीटर। देखो समुद्र के किनारे में लाइट हाउस लगा रहता
और लाइट हाउस का काम होता है कि समुद्र का जो शोर होता है उसको वह इंडिकेट करता है। शिप को पता नहीं ना चलता दूर से कि शोर कहाँ पे है या समुद्र के किनारे पत्थर है नहीं है जो भी हो, तो एक सुरक्षा के नज़रिए से उसको लगाया जाता है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि एक लाइट हाउस है जिससे जो लाइट निकलता है वो 80 डिग्री के एंगल बनाता है इस तरीके से। यहाँ से लाइट निकला, मान लीजिए ये सोर्स है, यहाँ से लाइट निकला और ये एक सेक्टर के फॉर्म में है ऐसे। इसका जो लेंथ है वो दिया हुआ आपका 16.5 किलोमीटर और ये एंगल दिया हुआ कितना 80। पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप आर वार्म, तो कितना एरिया को ये वार्म कर सकता है, मतलब कितना एरिया तक इसका लाइट पहुंच सकता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे एरिया वार्म थीटा बाय 360 पाई आर, सिंपल सा थीटा 80 बाय 360 पाई 22 बाय कितना लिखा हुआ, चलिए जो लिखा हुआ है तो फिर आप वही लिखिएगा 3.2 ये 16.5 है ना, इसको फ्रैक्शन में लिख दो, तो फ्रैक्शन में लिखोगे तो 33/2 आएगा। जैसे 2.5 तो 2 का डबल क्या होता है 4, 4 से एक बढ़ा देना 5, 5/2 होता है। 3.5 तो 3 का डबल 6, एक ज़्यादा 7/2। 4.5 तो 4 का डबल उससे एक ज़्यादा 9/2। तो वैसे 16.5 तो 32, 33/2 33/2 हो गया। तो यहाँ पर तुम वही लिखो 33/2 इंटू 33/2 किलोमीटर स्क्वायर, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। और यहाँ से 8, 4 से काटेंगे 2 बार में 9 बार में, ठीक है। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ से ये कट गया कितने बार में 1.57। ये 9 जो है 3 से कटेगा, ये 11 बार में और फिर ये कट जाएगा 11, मतलब कुल मिला कितना है आपका 1.57 इंटू 11 इंटू 11 किलोमीटर मल्टीप्लाई आता है ना, तो 1.57 इंटू 11 इंटू 11 तो 121, तो 751 14 13 और फिर 751 79981 189 मतलब 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 से पहले, ठीक है यहां तक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कर देते हैं पहले, फिर 13 करेंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत है। 14 तो ऐसे झटके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि सेंट्रल एंगल जो है आपका पी है, रेडियस आर है, सेंट्रल एंगल कितना है पी है और उसके बाद रेडियस आर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर अगर एंगल मान लो दिया हुआ है पी, थीटा यहाँ पर पी दिया हुआ है और रेडियस आर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पी बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एंगल क्यू है तो क्यू बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मान लो कि एंगल लक्ष्मी है तो लक्ष्मी बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एंगल जो रहेगा उसको 360 से डिवाइड करेंगे इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 14 आप याद रखिएगा, अब हम लोग आराम से 13 बनाते हैं। कह रहा है कि एक राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन,
मतलब एक राउंड टेबल कवर है, ऐसे है। इसमें सिक्स डिजाइन है, ऐसे है। ठीक ना, चलिए ये हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कितना हो गया टोटल, सिक्स डिजाइन है। राउंड टेबल कवर है सिक्स इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर। अब मान लिए कि यहाँ पर सेंटर है। अब ये एक डिजाइन जो देख रहे हो, ये डिजाइन किस शेप का है? किस शेप में है? सेगमेंट। तो अगर हमको टोटल डिजाइन का एरिया निकालना है तो कितना सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6, एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल एरिया ऑफ डिजाइन आ जाएगा। और फिर बोला कॉस्ट, तो जब भी आपसे कॉस्ट पूछेगा तो एरिया इंटू रेट कर दीजिएगा। तो पहले हमको एरिया निकालना, एरिया ऑफ डिजाइन। तो आपका यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 28, वो तो ठीक है, रेडियस 28 दिया हुआ है, एंगल कितना होगा ये बताइए तो। 60 होगा। क्यों होगा 60? क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे मिलाइएगा तो देखिएगा टोटल 6 एंगल बनेगा सेंटर पे, 1 2 3 4 5 6। तो 6x = 360, तो x बराबर 360/6, 60 डिग्री। मतलब ये एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा, तो एंगल आपका हो गया 60 डिग्री। अब कह रहा है कि मेकिंग द डिजाइन, उसका रेट निकालना। तो पहले हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ डिजाइन, क्या लिखते हैं पहले, एरिया ऑफ डिजाइन। पहले तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 6, क्योंकि यहाँ पर टोटल कितना है डिजाइन, 6 सेक्टर है, इनटू। अब हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला, यहाँ पे आ करके बैठ जाने से और हाँ में हाँ मिला लेने से पढ़ाई नहीं होगा। पढ़ाई तभी होगा, हम अभी जब स्टार्ट किए थे ना, स्टार्ट करने से पहले ही बता दें कि पढ़ाई के समय आपको फील आना चाहिए, आप क्या फील कर रहे हो। अगर तुमको अच्छा फील हो रहा है तो फिर ऐसे मुंह लटका के कोई बच्चा नहीं बैठा, खासकर मैथ क्लास में तो बिल्कुल नहीं। एक गेम होता है, मतलब होता है ना, बहुत सारे बच्चे देखोगे ना जो मैथ बनाते हैं, जैसे आप पबजी का कैसे लत होता है कि बस बैठ गए और घंटों घंटा पबजी खेल रहे हैं, तो ऐसे मैथ का जिसको लत होता है ना तो लग जाता है, तो घंटों घंटा बैठ के मैथ में बनाते रहता है, इंजॉय करता है, बस इंजॉय कर रहा, इंजॉय करने का चीज़ था। अगर फॉर्मूला में तुम इतना कन्फ्यूज रहोगे तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। पॉसिबल है कि क्वेश्चन बन जाए? कभी नहीं पॉसिबल है। बैठिए, यहाँ लिखेंगे 6 लिख दिए, फिर यहाँ पर लिखेंगे थीटा, 60/360, पाई का वैल्यू देख लो दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, तो 22/r² 28 माइनस 1/2 × 28 और साइन 60 डिग्री है ना। यहाँ से देखो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 36 कितने बार में, 6 बार में, 7 से कटेगा 4 टाइम में, फिर ये कटेगा 2 के टेबल में कितने बार में, 3, ये 2 बार में, फिर ये कितने बार में कटेगा, 14,
तो कुल मिला के आपके पास आया कितना? देखिए 6 है, आया 22 इंटू 2 इंटू 28 बाय में 3 माइनस 14 इंटू 28 और साइन 60 का वैल्यू रूट 3 बाई 2। क्लियर? आप इसको इससे काट दीजिए 14 टाइम में। अब कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कीजिए 28 इंटू 2 56, 28 इंटू 2 56, 56 इंटू 22 तो 56 22 112 112 2321, ठीक है ना? तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई किए, देखो यहाँ पर लिख भी देते हैं, तो मल्टीप्लाई किया तो 1 2 3 2 बाय में कितना आया 3 और माइनस यहाँ पे 14 into 14 196 इंटू 1.473। देखिए वैल्यू दिया हुआ है ना, 1.7 है, ठीक है 1.7 लिखेंगे। ठीक, इसको इससे डिवाइड करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या फिर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम में 12 कट गया 3, ठीक है ना, एक बार में 3 कट गया 2 नहीं कटेगा तो 0, फिर पॉइंट देंगे तो यहाँ पर कितना उतरेगा, फिर 6 6, तो ये आपका आ जाएगा 6 और ये आएगा आपका 410, ठीक है ना, 410.666 आता है, तो राउंडिंग करो तो 67 आ जाता है। माइनस 196 इंटू 1.7 कीजिए तो कितना आता है, 196 इंटू 1.7, तो हम कर ही लेते हैं 19617, तो आएगा 42 7 13 6 9 1, मतलब कि 2 13 13 और फिर यहाँ से आ गया 3, पॉइंट के बाद कितना नंबर था 1, यहाँ पे 3 3 3 2 0 कर दो, माइनस करने में आपको आसानी होगी, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू 7 में से यहाँ पे लिखेंगे 7 4, फिर 0 में से नहीं जाएगा तो 10, तो यहाँ पर 7, फिर यहाँ पे हो गया आपका 10 10 में से फिर 7 और फिर यहाँ पे आया 3, ये 77.47। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 42, ठीक है ना, 28 फिर 4 और फिर 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ डिज़ाइन आ गया। अब लेकिन आपसे पूछ क्या रहा था, कॉस्ट, कॉस्ट पूछ रहा था ना, तो आप इसके नीचे लिखेगा कॉस्ट इक्वल्स टू, कॉस्ट बराबर क्या लिखेंगे, एरिया इनटू रेट, एरिया इनटू रेट, मतलब कि 4.682 को मल्टीप्लाई करेंगे, रेट कितना दिया हुआ है 0.35, ठीक है ना, 0.35 ये रुपीस में आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर दें 4 6 4 8, यहाँ पे है 35, 10 1 4 2 23, फिर यहाँ 6 4 4 9 30 0 7 8 6 2 6 1, पॉइंट के बाद देखो यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, टोटल कितना 4, 1 2 3 4 रुपीज 162.68
7, राउंडिंग करेंगे 16269, आंसर है। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपका ओवर हो गया। इसको तुम लोग एक बार खुद से बनाओगे और कैलकुलेशन कोशिश करोगे कि खुद से ही करें, कोई कैलकुलेटर मोबाइल वोबाइल का यूज़ नहीं करो जिस तरह से हम कर रहे थे, तभी आपका कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा हो पाएगा, थोड़ा फास्ट हो पाएगा। मोबाइल का जहाँ यूज़ किए तो ये आप कन्फर्म रहो कि एग्ज़ाम में आपका ये क्वेश्चन छूटने वाला है, या तो छूटने वाला है पहला चीज़, तो या तो छूट जाएगा, या तो अगर बनाओगे तो बहुत लंबा टाइम लेगा और उसके चक्कर में 2-3 क्वेश्चन आपका और छूट जाएगा। तो ज़रूरी यह है कि आप मल्टीप्लाई खुद से करो, घर पे करो, हाथ से करो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको मोबाइल अलाउ नहीं है। तो जो अलाउ नहीं है तो जो है उसी का ना प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस करोगे और इसको बना लोगे, ठीक है ना। चलिए।